गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार चित्तोड़ा, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल और प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा एक बार फिर आपके समक्ष इस ई वीडियो की श्रृंखला में मेरा नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे पिछली बार मैंने डिस्कस किया था, फाइनल ईयर की सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग व हीट ट्रांसफर में स्टीम कंडेंसर टॉपिक पर डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन तक पिछली बार पढ़ा था। अब हम क्लासिफिकेशन से आगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसर्स है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अपन इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लो। मैंने क्लासिफाई किया था पैरेलल फ्लो कंडेंसर, काउंटर फ्लो कंडेंसर और क्रॉस फ्लो कंडेंसर। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द कूलिंग एक्शन से मैंने क्लासिफाई किया था कि जेड कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर एंड इवेपोरेटरी टाइप ऑफ कंडेंसर। जेड कंडेंसर के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जेड कंडेंसर्स उस प्रकार के कंडेंसर्स होते हैं जिसके अंदर स्टीम और वाटर की आपस में मिक्सिंग होती है। दोनों मिक्स होकर के एक जो स्टीम होती है वो ही ट्रांसफर करती है वाटर। सरफेस कंडेंसर के अंदर बेसिकली स्टीम और वाटर डिफरेंट मेथड से ही ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन दोनों की मिक्सिंग नहीं होती। इवेपोरेटिंग टाइप ऑफ कंडेंसर को मैंने डिस्कस किया था और बताया था कि इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट की सहायता से हम यहां पर कूलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं पैरेलल फ्लो लो लेवल जेड कंडेंसर। देखिएगा, पैरेलल फ्लो लो लेवल जेड कंडेंसर, जैसा मैंने बताया था कि पैरेलल फ्लो का मतलब यहां पर है कि स्टीम और वाटर जो है दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर आपके मूव करेंगे। तो जैसे हम फिगर के अंदर देख रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है टर्बाइन से वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रही है, और जो कूलिंग वाटर है हम नीचे की तरफ से कूलिंग वाटर आपका कोल्ड वाटर आ रहा है वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। एक कूलिंग वाटर को हम यहाँ पर डिफरेंट नोजल की सहायता से स्प्रे करते हैं और स्टीम इसके कॉन्टेक्ट में आकर के कूल डाउन होती है, और डिफरेंट पेपर प्लेट से होती हुई कूल डाउन होने के पश्चात ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। लेकिन क्योंकि कंडेंसर के अंदर वैक्यूम प्रेशर होता है, इसलिए वैक्यूम प्रेशर होने से ऑटोमेटिकली ये कंडेंसेट बाहर नहीं आ पाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए नीचे एक कंडेंसेट पंप लगा रहता है। ये कंडेंसेट पंप इस कंडेंसर के अंदर से कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करके और हॉट ऑयल के अंदर कलेक्ट कर देता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर। देखिएगा, जैसे नाम से अपने को यहां पर पता चल रहा है कि काउंटर फ्लो मीन्स जिसके अंदर स्टीम और वाटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें। यहां पर हम देख रहे हैं कि स्टीम जो एग्जॉस्ट स्टीम है टर्बाइन से वो बॉटम से एंट्री कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। इसके लिए हमने क्या किया है कि एयर सक्शन पंप को जो है टॉप के ऊपर लगाया है जिससे वो अंदर की एयर को बाहर खींच सके और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टीम का मूवमेंट हो सके। पानी जो कूलिंग वाटर जो है वो हम देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन के वो अपवर्ड डायरेक्शन के से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। उसको फिर हम स्प्रे नोजल्स इसके अंदर लगे हुए हैं और स्प्रे नोजल्स की सहायता से पानी को स्प्रे नोजल से एक एडवांटेज ये होता है कि पानी छोटी छोटी बूंदों के अंदर पड़ जाता है जिससे उसकी हीट ट्रांसफर रेट आपकी बढ़ जाती है। तो उसके बाद जो स्टीम है वो कूलिंग वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के पश्चात कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन होने के पश्चात कन्वर्टेड इनटू द वाटर, पानी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, और उस कंडेंसेट को हम एक एक्सट्रैक्शन पंप की सहायता से एक कंडेंसेट पंप की सहायता से इस कंडेंसर से बाहर निकाल करके हम हॉट वेल में कलेक्ट कर लेते हैं। हॉट वेल से फिर हम पानी को हॉट वाटर जो होता है उसको बॉयलर को सप्लाई कर देते हैं और कुछ वाटर को हम वापस कूल डाउन करने के लिए कूलिंग पॉइंट के अंदर भेज देते हैं। ये हाई लेवल टाइप ऑफ जेड कंडेंसर है। लो लेवल अभी हमने जो दोनों डिस्कस किए थे वो लो लेवल टाइप ऑफ जेड कंडेंसर थे। हाई लेवल और लो लेवल में क्या डिफरेंस होता है? देखिएगा, लो लेवल जेड कंडेंसर में हम ये देख रहे थे कि कंडेंसर के अंदर से कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए हमारे को एक एक्सट्रैक्शन पंप लगाना पड़ रहा था। यहां पर एक अलग फीचर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि नीचे एक लंबा पाइप लगा हुआ है जिसकी लेंथ 10.33 मीटर होती है। उससे एडवांटेज यह होता है कि ग्रेविटी की वजह से ही प्रेशर इतना बढ़ जाता है कंडेंसर का कि वो ऑटोमेटिकली कंडेंसर से बाहर निकल आता है। इसके लिए हमारे को किसी भी प्रकार का एक्सट्रैक्शन पंप या कंडेंसर पंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट सेम होता है, एग्जॉस्ट स्टीम आपकी नीचे से एंट्री कर रही है जो टर्बाइन से बाहर आ रही है,
वो आपके कंडेंसर के अंदर आती है और कूलिंग वाटर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है इसलिए कूलिंग वाटर को टॉप तक पहुंचाने के लिए हमारे को एक छोटा सा पंप लगाना पड़ता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होती है वो एक्सट्रैक्शन पंप की कैपेसिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, जिससे हमारे को एनर्जी सेविंग होती है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ से कूलिंग पंप की सहायता से कूलिंग वाटर को हम ऊपर भेजते हैं, जो स्प्रे की सहायता से स्प्रे नोजल्स इसके अंदर लगे रहते हैं, स्प्रे नोजल्स की सहायता से वो यहाँ पर स्प्रे होता है जो एग्जॉस्ट स्टीम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, और कॉन्टेक्ट में आने के पश्चात वो कंडेंसेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है, और क्योंकि इसकी लंबाई 10.33 मीटर होती है तो ग्रेविटी की सहायता से ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो कंडेंसर से बाहर आ जाती है। लास्ट टाइप ऑफ जेट कंडेंसर जो है इजेक्टेड टाइप ऑफ जेट कंडेंसर। इजेक्टेड टाइप ऑफ जेट कंडेंसर के अंदर क्या है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, दोनों की मिक्सिंग यहां पर होती है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रंकेटेड कॉन्स यहां पर बनी हुई है, ट्रेज इस तरह से लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है हम नोजल वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से कोल्ड वाटर आपका आ रहा है, यहां से एग्जॉस्ट स्टीम आ रही है, दोनों आपस में कॉन्टेक्ट होती है, कॉन्टेक्ट में आती है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एरिया घट रहा है, ठीक है, धीरे धीरे हमने देख रहे हैं एरिया घटता चला जा रहा है। तो यहां पर जो आप जो देख रहे हैं ये नोजल शेप के अंदर ट्रे को लगाया हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे जो एरिया यदि आप घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और एनर्जी इक्वेशन ये कहती है कि जब वेलोसिटी में बढ़त होगी तो आपके प्रेशर में डिक्रीज होगी, यानी इसके अंदर बेहतर वैक्यूम हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा, अब इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग डिवाइस नहीं लगाया हुआ है, तो वो कंडेंसेट बाहर कैसे आएगा, उसके लिए हम यहां पर डाउनवर्ड देख रहे हैं कि यहां पर एक डाइवर्जेंट टाइप ऑफ नोजल लगाया हुआ है। डाइवर्जेंट टाइप ऑफ नोजल का बेसिक फंक्शन यही होता है कि जैसे ही जो यहां आपका कंडेंसेट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा तो उसकी वेलोसिटी एनर्जी घटेगी, वेलोसिटी एनर्जी घटेगी तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी, और इसकी डिजाइन इस तरीके से होती है कि आउटलेट पर इतना प्रेशर हो जाता है कि ये ऑटोमेटिकली कंडेंसेट जो है इस कंडेंसर से बाहर आ जाता है। इस प्रकार हम डिफरेंट टाइप ऑफ जेट कंडेंसर जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उन जेट कंडेंसर से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली दोनों प्रकार के जो है स्टीम और वाटर आपस में मिक्स हो। अब अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सरफेस कंडेंसर और उससे जुड़ी हुई बातें। थैंक यू।